भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु मेरा गांव मेरा बैंक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी गांव का दौरा करेंगे तथा किसानों से मुलाकात करेंगे। अभियान के पहले चरण में चंडीगढ़ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल, महाप्रबंधक सुमित फक्का, बैंक के संबंधित मॉड्यूल के उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों सहित आईटीआई मैदान साहिबगढ़ बसी पठाना गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से मिले। बसी पठाना के एमएलए रुपिंदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब की उपायुक्त परनीत शेरगिल और एसएसपी श्रीमती रवजीत गरेवाल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक रुपिंदर सिंह ने इस पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्रशंसा की। श्रीमती शेरगिल एवं श्रीमती गरेवाल ने किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों के साथ उनके बैंकिंग संबंधी जरूरतों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसान संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से बैंक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के विभिन्न गांवों में चौपाल गठित करेगा। बैंक की इन राज्यों में 2000 से अधिक शाखाएं हैं। इस किसान संपर्क कार्यक्रम में कई ग्राहकों को सम्मानित किया गया और ऋण आवेदकों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इसके अलावा बाबा नर्सिंग होम बस्सी पठाना द्वारा पिछले 100 वर्षों से अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक बस्सी पठाना में बनाए रखने हेतु डॉक्टर NS बाबा का अभिनंदन किया गया। बैंक की नवी पाई हुई किरत, नवी पाई हुई रीत के मुताबिक हायर अथॉरिटीज़ भी बैंक के आए बैठे ने, उन्होंने नाल साडे जिले के डिप्टी कमिश्नर परनीत शेरगिल जी, श्री विनोद जायसवाल जी, CGM ने सुमित फटका जी, तो वक् वक् पिंडा तो आए हुए सरपंच साहबान, फार्मर, साडियां मातावां भैणां सारे पहना आप हमेशा की तरह ही फतेह की सांझ करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज का जोड़ा प्रोग्राम है जिथे आने का मौका मिले, मेरा गाँव मेरा बैंक प्रोग्राम का ना है। डिस्कस करते मेरे नाल बैंक के साथी साहबान के आपने किवें इस बैंक आम आदमी का बैंक बनाना, आम लोगों तक अप्रोच किदा करनी आ, फार्मर किसानों तक अप्रोच किदा करनी आ, आम लोगों की जो लोड़ा ने उन्होंने किदा पूरा करना है। इत्थे बसी पठाना विखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों किसान संपर्क मेला लगाया गया है, जिदे कि पूरे सब डिविजन तो जिले तो लोग शमूलीयत कर रहे ने। इहदे च इन्हां वालों जो लोन प्रोग्राम्स हैगे उन्हां बारे तो होर की इना दे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, किवें खाते खुलवाए जा सकते हैं, किवें इना दे सिंगल पॉइंट्स होंगे ने जिथे कि लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा, असी इन्हों धन्नवाद दिने कि यह इत्थे आए ने ते लोगों नू अपने प्रोग्राम्स बारे जानू करवा रहे ने कि लोग किवें लोन्स लैके ते जो भी वो कारोबार करना चाहते ने, चाहे वह डेयरी का काम होए या अपने ट्रैक्टर्स लिए लोन लेना होए या होर भी कोई फिशरीज लई होर इन्हां दे बहुत प्रोग्राम्स हैं। सो लोगों नू जानकारी देन आए ने, इहदे लई लोग इत्थे चढ़ के पहुँच रहे ने। सो आई एम श्योर कि उन्हां नू इत्थे जो जानकारी मिलेगी उन्हां नू बहुत फायदा होएगा। सारिया ही स्कीम्स जी साडा रिव्यू भी हुंदा रहिंदा है, चाहे वह डेयरी डिवेलपमेंट होए, फिशरीज़ होए, होर छोटिया छोटिया कई स्कीम्स हैगियां ने, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ने जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि नैशनलाइज बैंक है इन्हों दे नाल शुरू तो ही साडा रहा हैगा। सो लोगों तक ये पहुँचते हैं, इन्हों की रीच ज़्यादा हैगी सरकार नालों, ये लोगों को पहुँचा सकते हैं, गल कर सकते हैं। कोई भी होर इंश्योरेंस स्कीम्स होंदियां ने, कल इन्होंने दस्या कि इंश्योरेंस तो इन्हों का बड़ा अच्छा हैगा, 20 रुपए की इंश्योरेंस का प्रीमियम होंदा है ते 2 लाख की इंश्योरेंस होंदी है, वो भी मैं इन्हों बेनती करती हाँ कि लोगों को बारे डिटेल दसन कि अगे जिमें जिमें जानकारी मिलेगी लोग सहूलत ले सकते हैं। हमारा ये सर्कल है, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ को कवर करता है। इस सर्कल में लगभग 1880 शाखाएं हैं और आज
भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक ये अनूठी पहल की गई है जिसमें किसान संपर्क कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारे सर्कल में 82 जगह पे एक साथ किया जा रहा है, जिसमें आज बस्सी पठाना में मैं और मेरे टीम के कुछ सदस्य शामिल हो रहे हैं। और इसी तरह से आप पाएंगे कि मुख्यतः इन चार राज्यों में 82 जगह पे किया जा रहा है। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम हमारे जो किसान हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके हम नज़दीक आएँ, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझें, उनको किस चीज़ के लिए ऋण चाहिए या और कौन सी सुविधाएं चाहिए बैंक से, उसके लिए हम खुद चल के आ रहे हैं। और ये शाम को करने का उद्देश्य ये है कि शाम के समय में सभी लोग थोड़ा सा फ्री रहते हैं और वो समय दे सकते हैं, तो हमने इसीलिए ये कार्यक्रम शाम को किया है।